खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है, जहां किसान अपनी ही फसल बेचने के लिए परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि रायसिंह नगर कृषि उपज मंडी में सरसों लाभ की एक मशीन होने की वजह से किसान परेशान हो गए हैं। श्रीगंगानगर से ब्यूरो चीफ मंजीत सिंह की रिपोर्ट। 200 किसान यहाँ खड़े हैं, धूप में 200 किसान वहाँ खड़े हैं, ना कोई पानी है ना कोई बात है। यहाँ ये कर्मचारी है ना, ये 9 बजे आते हैं, किसान यहाँ 5 बजे आ जाता है, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। किसान मर रहा है धूप में, और कोई हाल नहीं है इनका। सारी जितनी मंडी में लेप है उनके सबकी कराओ, सब लेप पे मंजूरी दो। आप किसान मजदूर बहुत दुखी है, और नहीं तो इस गेट के ताला लगाएंगे, फिर आप आओगे फिर बड़ा बुरा हाल होगा। ये देख लो मंडी के 1:30 बजे तक बंद हो जाए, फिर उससे लाइन च लगना पैना है। तो आ जाओ देखो, लाइन इतों हटनी नहीं है, बढ़ती जाऊगी इतों तक, बढ़ी जानी है। पर 1:30 घंटे का तो अभी इतने खड़े हैं, अजे धुप घट है, आराम इतने लगे रहना। ये पता नहीं लैब हो के साथ बाद बोली आऊगी कि नहीं होगी, उधर बोली आ जाती उधर साड़ी लैब नहीं निकलती, अभी इतने धक्के खाते रहने। मंडी समिति का ऑफिस है इसके आगे, ये तो हाल देख रहे हो आप, लाइन का गेट पास पे भी बहुत लंबी लाइन है, कोई खड़ा नहीं है। सुबह 6 बजे से खड़े हैं लाइन पे, और शाम को 6 बजे तक जो कर्मचारी है वो कोई भी नहीं है। शेड्यूल है फिक्स, 10 बजे से पहले नहीं चालू करना तो नहीं करना है। किसान बेचारा 5 बजे का भागा हुआ है, और जो लाइन गेट पास पे है वो यहाँ जो है लेब की मशीन के पास आती है, और ये लाइन जो है रसोई पे जाएगी तो वो 2 बजे रसोई बंद कर देंगे। सर जमींदारों का बुरा हाल हो रखा है, गर्मी इतनी पड़ रही है, सुबह 6 बजे से लड़ने लगे हैं। यहाँ पर कोई पानी की सुविधा ना, कोई चाय की सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं है। कर्मचारियों के अच्छे पंखे लगे हैं अंदर, गर्मी है, कुर्सी डालकर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोग कैसे आ रहे हैं, और नहीं तो ये काम सही करा लेगा।